हेलो किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू योर चैप्टर 21 राइटिंग सेक्शन ऑफ योर बुक इंग्लिश ग्रामर गाइडेड स्टेप्स टू इंग्लिश ग्रामर बाय धनपत राय पब्लिशिंग कंपनी एंड वी आर डूइंग दिस टॉपिक नोटिस राइटिंग. हेयर इन दिस वीडियो आई जस्ट एक्सप्लेन यू अ लिटिल अबाउट द नोटिस, इसका फॉर्मेट क्या होता है एंड देन वी विल टेल यू द टाइप्स ऑफ नोटिस. सो नोटिस क्या होता है? नोटिस इज़ अ पीस ऑफ रिटन फॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन और हैज़ हैपन्ड. नोटिस क्या होता है? एक ऐसा इन्फॉर्मेशन का पीस होता है, मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ होने वाली है या हो चुकी है. वी आर गोइंग टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन. इसमें क्या होती है? एग्जैक्ट डिटेल्स होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है इन एब्रीवेटेड फॉर्म. एब्रीवेटेड मतलब बिल्कुल शॉर्ट करके उसको कंप्राइज करके इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है. बिकॉज ये रिटन टेक्स्ट होता है तो nobody wants to write this much, obviously. कोई भी मतलब बेफालतू का इतना लंबा लिखना नहीं चाहता है. एंड अब के टाइम में तो स्पेशली बिकॉज एवरीबडी हैज़ मोबाइल्स एंड ऑल, सो द इसकी जो एक यू कैन से इम्पॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है नोटिस राइटिंग की. बट इन अ वेरी ब्रॉड टर्म इफ यू थिंक तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. इट्स वेरी गुड. इट इज़ यूजुअली फॉर्मल इन स्टाइल. ये फॉर्मल होता है स्टाइल में लिखना जो उसका होता है. एंड ये नोटिस जो होते हैं इशू किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या इंडिविजुअल्स के द्वारा, अलग अलग लोग या कोई सेलिब्रेशन जो लाइक किसी ने करनी है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इन्विटेशन देना चाहते हैं, फेयरवेल पार्टी, गेट टुगेदर, अपील या कोई भी पब्लिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह इस तरह की दी जा सकती हैं इसके द्वारा, नोटिस के द्वारा. और ये जो होते हैं नोटिसेस, इनको पेस्ट किया जाता है कहीं पे स्पेशल बोर्ड के ऊपर या फिर उनको पिन किया जाता है ताकि आने जाने वाले लोग उसको इजीली क्लियरली रीड कर पाएँ. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है. सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो टॉप है, ये दिस इज़ द टॉप. इसमें क्या करते हैं हम, वेट लेट मी टेल यू, इसमें टॉप में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हेयर वी राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नेम लिखते हैं, लाइक इफ़ यू हैव लाइक शासत नाम जी गर्ल्स स्कूल या स्प्रिंग डेल पब्लिक स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नेम होगा वो लिखेंगे, कोमा तारानगर और कोमा जो भी आपका सिटी का नाम होगा या फिर जो आपको नोटिस में दिया गया होगा वो ही लिखेंगे आप सेम एज इट इज़. एंड देन यू हैव टू राइट हेयर NOTICE नोटिस, बड़ा बड़ा लिखेंगे कैपिटल लेटर में नोटिस लिखेंगे. एंड इस साइड यू विल राइट द डेट एंड देन यू विल राइट द नेम ऑफ द टाइटल, मतलब जो आपका जो टाइटल क्या है, जो हम आप नोटिस लिखने जा रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपका कुछ गुम हो गया, लाइक माय स्कूल बैग लॉस्ट या फिर माय वाटर बॉटल लॉस्ट या फिर आपको कुछ मिला है लाइक फाउंड अ कंप्यूटर टैबलेट या फाउंड अ मोबाइल, तो वो आप यहाँ पर उसका टॉपिक लिखेंगे. और यहाँ पर ये छोटी सी जगह पर मतलब आपने बहुत ही कंप्राइज करके यहाँ पर उसका मैटर लिखेंगे कि जो भी आप नोटिस देने जा रहे हैं वो क्या है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका कुछ गुम हो गया, आपने यहाँ लिखा माय स्कूल बैग लॉस्ट और फिर आप इन्फॉर्मेशन देंगे माय स्कूल बैग हैज़ बीन लॉस्ट, मतलब मेरा स्कूल बैग लॉस्ट हो गया है एंड इस जगह पर, मतलब इन द लाइब्रेरी एंड इट्स, उसका थोड़ी पहचान बताएंगे, उसका ब्लू कलर है, उसके अंदर ये सामान है एंड अगर किसी को मिले तो वो प्लीज़ आप मुझे दे दीजिएगा. और साथ में कुछ लोग होते हैं वो लिख देते हैं लाइक आपको अगर जिसने भी मुझे मेरा सामान वापस किया उसको आपको रिवार्ड मिलेगा. तो इस तरह का फॉर्मेट बहुत ही छोटा सा करके लिखते हैं. एंड देन एट लास्ट यहाँ पे आप अपने वो लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं, नाम लिखते हैं ब्लॉक लेटर्स में और डेजिग्नेशन लिखते हैं या फिर आप बड़ा स्टूडेंट हैं या फिर कौन सी क्लास के हैं वो सारा कुछ लिखते हैं. सो दिस इज़ द सिंपल फॉर्मेट ऑफ नोटिस. इट्स वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग एंड मार्क्स गेनिंग टॉपिक. इसमें बहुत अच्छे मार्क्स बन जाते हैं बच्चों के. जैसे मैं आपको ये फर्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, योर स्कूल बैग वॉज लॉस्ट ड्यूरिंग द लंच ब्रेक यस्टरडे. आपका स्कूल बैग गुम हो गया था लंच ब्रेक के टाइम पर. एंड एज देवांश श्रीवास्तव, मतलब यहाँ पे आपको आपका उन्होंने नेम बता दिया कि आपका नाम है देवांश श्रीवास्तव. राइट अ नोटिस टू बी अ पार्ट ऑन द स्कूल नोटिस. अब आपको नोटिस लिखना है स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए और 50 वर्ड्स में लिखना है और इसको बॉक्स में डालना है. तो यहाँ पे हमने बॉक्स बना दिया सबसे पहले. उस बॉक्स के अंदर हमने लिखा पहले मॉडर्न पब्लिक स्कूल. भी यहाँ पे कोई स्कूल का नाम नहीं लिखा है तो हम किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं. यूजुअली आप अपने ही स्कूल का नाम लिखेंगे. यहाँ लिख देंगे अलेक्सा सतनाम जी गर्ल्स स्कूल एंड देन यू विल राइट नोटिस NOTICE कैपिटल बोल्ड लेटर में. एंड फिर दिस साइड यू विल राइट द डेट, आज की डेट आप लिख देंगे. एंड देन द टॉपिक ऑफ योर नोटिस, आपके नोटिस का टॉपिक क्या है, स्कूल बैग लॉस्ट, स्कूल बैग गुम हो गया. एंड अब आप इसमें अपनी उसकी जो आपकी डिटेल्स हैं वो उसको देंगे. यहाँ पे क्या है,
अ ब्रांड न्यू एंड येलो स्कूल बैग वॉज लॉस्ट. एक ब्रांड न्यू बिल्कुल न्यू बैग येलो कलर का था वो लॉस्ट हो गया इन द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर ऑन 8 जुलाई. किस डेट को गुम हुआ ये भी हमने लिख दिया, फ्राइडे. इट इज़ मेड ऑफ कैनवस, ये कैनवस कंपनी का है. उसके ऊपर स्टिकर है मिक्की माउस का, ऑन इट्स फ्रंट, उसके फ्रंट पर मिक्की माउस का वो है स्टिकर लगा हुआ है. उसके अंदर क्या है, अब इट हैज़ बुक्स, नोटबुक्स, लंच बॉक्स, कलर बॉक्स, ये है इसके अंदर. अब ये जो लास्ट लाइन है ये हर एक जो आपका लॉस्ट का हर एक जो नोटिस होगा उसमें सेम होगी, लाइक इफ़ एनी वन फाइंड्स इट प्लीज़ रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड. अगर किसी को ये मिलता है तो जिसके नीचे साइन किए हुए हैं उसको रिटर्न कर दे, रिटर्न इट टू मतलब वापस दे दें किसको, अंडर साइंड, अंडर मतलब नीचे, नीचे जिसके साइन हुए हैं उसको वो वापस कर दे. द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, जो जिसने फाइंड करके दिया उसको रिवार्ड मिलेगा. तो देवांश श्रीवास्तव नेम लिख दिया हमने, रोल नंबर लिख दिया एंड क्लास लिख दी. सो दिस इज़ अ सिंपल, वेरी सिंपल वे ऑफ राइटिंग अ नोटिस. नोटिस तो ये हमारा नोटिस है लॉस्ट के लिए, अगर आपका कुछ गुम हो जाए. आगे हमारा नोटिस है, अब ये आपको मैं आई विल सेंड यू दिस ऑल नोटिस, आपने इसको अपनी बुक में कंप्लीट भी करना है एंड देन यू हैव टू लर्न ऑल्सो. अब आगे है हमारा सैम्पल नोटिस ऑफ फाउंड. फाउंड का नोटिस क्या है, फाउंड जब आपको कोई चीज़ गिरी हुई मिली, कोई चीज़ आपको कहीं पड़ी हुई मिली है तो उसमें आप क्या करते हैं, क्या है, यू आर ललित नागपाल, यहाँ पे उन्होंने आपका नाम बता दिया, ऑफ क्लास 6 थे, हिमालय पब्लिक स्कूल मेरठ. अब स्कूल का नाम भी लगा दिया आपको, दे दिया तो सिंपल से आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे एंड देन नोटिस. यू फाउंड अ रिस्ट वॉच, अब आपको रिस्ट वॉच मिली है क्लासरूम के अंदर, अब आपने नोटिस डालना है, मतलब आपने अपनी तरफ से सबसे पूछ लिया कि किसकी है, किसी ने जवाब नहीं दिया तो आप नोटिस लिखेंगे नोटिस बोर्ड में लगाने के लिए. तो हमने क्या किया, हिमालय पब्लिक स्कूल नोटिस, यहाँ पे हमने डेट लिख दी आज की एंड देन अ रिस्ट वॉच फाउंड, रिस्ट वॉच मिली है हमें, अब इसका आपका टॉपिक हो गया ये. फिर है अ रिस्ट वॉच हैज़ बीन फाउंड इन द क्लासरूम, एक रिस्ट वॉच मिली है क्लासरूम में. द क्लेमेंट कैन कलेक्टेड फ्रॉम द अंडरसाइंड, जो क्लेमेंट है मतलब जो कहता है कि मेरी है, मेरी वॉच है, वो वहाँ से ले सकता है, फ्रॉम द अंडर साइन, जिसके नीचे साइन है उसे ले सकता है, आफ्टर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स. अब क्या है, अब जैसे फाउंड में है, फाउंड वाले जब भी आप लिखोगे तो उसमें आप अपनी जो भी चीज़ मिली है आपको उसकी डिटेल नहीं दोगे, बिकॉज एनीबडी कैन क्लेम इट, कोई भी आपके आके क्लेम कर देगा कि हाँ वो मेरी ही वॉच है. तो आप उस फाउंड वाले केस में आप क्या करेंगे, आप उनको बोलेंगे, क्लेमेंट को बोलेंगे जो क्लेम करता है कि मेरी है वो वॉच, उसको आप बोलेंगे कि आप अपनी पहचान बताओ, निशानियाँ बताओ और अपनी चीज़ जाके ले जाओ. तो द अंडरसाइंड कैन बी कॉन्टेक्टेड इन द क्लास 6 ड्यूरिंग रिसेस, तो ये इस पर्सन को आप रिसेस के टाइम पर आके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है. देन यू हैव रिटन द साइन एंड नेम एंड क्लास. सो दिस इज़ द सिंपल नोटिस ऑफ फाउंड. तो हमने आज दो नोटिस किए, दो काइंड ऑफ नोटिस किए, वन इज योर लॉस्ट एंड देन योर इज फाउंड. सो यू हैव टू कम्प्लीट दिस ऑल एक्सरसाइज एंड इवेंट वाला अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ ये करेंगे लॉस्ट एंड फाउंड के नोटिस करेंगे. And I'll send you the pictures. You have to write it down in your notebook and you have to completely learn it. Okay, everybody, thank you.